आज के मुशायरे में मैंने एक चीज नोट की जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मैंने पहला मुशायरा देखा है जिसमें जब शायर आता है तो कम तालियां बजती है, जब जाता है तो बहुत तालियां बजती है। मैंने महसूस किया, मैंने कोशिश बताई, अच्छा सामाई ने, शुक्रिया आपका। दूसरी बात ये है कि हमारे जो सदर सामाउन साहब है, इनका कहना ये है कि शेर समझ में आए ना आए आपको दाद देना चाहिए। एक बात उसमें इजाफा ये है कि अगर शेर बिल्कुल समझ में नहीं आता है तो आप अंदाजे से दाद दें। जैसे माउन साहब ने मजमून पढ़ा अयाज मुफ्ती के मजमा कलाम के हवाले से, मैं शर्तियाँ कहता हूँ पूरे हाल में किसी की समझ में नहीं आया होगा। और यहाँ तक कि गुलाबत भी काम नहीं आएगा, इतना सकील मजबूत। अब मैं तो होटल जाके इनसे तर्जुमा करवा लूंगा, आपका क्या होगा। ख्वातीन हज़रात, मेरे पर एक फर्ज है जो मुझे यहाँ कलाम सुनाने से ज्यादा मेरे लिए अहम है, वो ये है कि जो भी प्रोग्राम्स लोग कराते हैं, तकरीब मुनक्कद करते हैं, उसका एक हवाला होता है, उनका अपना एक शौक होता है। किसी हवाले से कोई अगर सिंगर है तो उसने म्यूज़िक का प्रोग्राम कराया, कोई शायर है उसने मुशायरा कराया, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको शुमाली अमेरिका में एक वाहिद नाम मेरे जहन में है, पूरी ईमानदारी से वो नाम बता रहा हूँ। ना वो शायर है, ना वो सिंगर है, ना वो कोई आर्टिस्ट है, ना कोई अदाकार है, बल्कि बहुत शरीफ आदमी है, और उनका नाम है जनाब नईम हाशमी साहब। नईम भाई ने, मैंने पूरी ज़िंदगी में आपको समझता था, मैं कलाम कम सुनाऊंगा, मैं नईम भाई की मैं ज़रूर बात करूंगा। नईम भाई ने सारी ज़िंदगी एक ऐसे बीज का काम दिया है जो खुद ज़मीन में पैवस्त हो जाता है और एक शजर को जन्म देता है। ना इनको माइक का शौक है नईम भाई को, ना सिर्फ नईम भाई बल्कि समीरा भाभी सारी ज़िंदगी न्यूयॉर्क में अदीबों शायरों फनकारों की खिदमत इतनी की इन्होंने कि मैं समझता हूँ कि आज इन दोनों के लिए इतनी तालियां बजाए मैं बड़ा खुश हूँ। नईम भाई और समीरा भाभी बिल्कुल कसे बदल रहकर पूरे इनमाक से, पूरी सच्चाई से और मोहब्बत से पाकिस्तान की जो सकाफत है उसके लिए गुज़श्ता 30 साल से ज़्यादा के अरसे पर इनकी खिदमत मुहित है, और जहाँ भी रहे उनकी ये पहचान नहीं है कि इन्होंने अपनी खिदमत का सिलसिला हमेशा दरार रखा। किंग मैन नईम भाई, बहुत शुक्रिया। अयाज मुफ्ती साहब के लिए सब लोगों ने कहा, मुझे एक वाक़ बहुत मुख्तसर सा है, टाइम बहुत है लेकिन सुनाने से ज़रूरी है, कि एक दफ़ा सआदत हसन मंटो साहब से कहा गया कि अहमद नदीम कासमी के मुतालिक कुछ रा दीजिए। जवानी के दोस्त थे, मंटो साहब ने सिगरेट जलाया, कागज़ पर कुछ लिखा, फिर फेंक दिया, फिर जलाया, मुतमईन नहीं थे। कहने लगे, यार मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अहमद अजीम कासमी बहुत शरीफ आदमी है। मेरी राय सिर्फ यही है कि शायरों में मेरे ख्याल इनसे ज़्यादा शरीफ आदमी कोई भी नहीं देखा। अयाज मुफ्ती साहब बहुत शरीफ आदमी है, आपके लिए दो अशार सदर मोहतरम की, और इनका नाम मैंने रखा है, मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, इनका नाम मैंने रखा है औलिया अदब। बारिश नाम है, बहुत कमाल है। मुफ्ती साहब के लिए दो अशार के, रस्में इजहार मोहब्बत को जिला देते हैं, रस्में इजहार मोहब्बत को जिला देते हैं, तोहफा जिनसे गिरा अहले वफा देते हैं, देने वाले तो बहुत हद से सिवा देते हैं, हम तो दरवेश हैं जीने की दुआ देते हैं। दो तीन अशार बाबू ने आपकी इजाजत है कि तूफानों में राह बनाओ हिम्मत का इजहार करो, तूफानों में राह बनाओ हिम्मत का इजहार करो, कैसा मांझी कहाँ की नैया तैर के दरिया पार करो, कैसा मांझी कहाँ की नैया तैर के दरिया पार करो, और जंगी ठहरी है तो सुन लो जंग के कुछ आदाब भी हैं, जंगी ठहरी है तो सुन लो जंग के कुछ आदाब भी हैं,
पीठ में खंजर घोंपने वालों सामने आकर वाह कर रहा है। तूफानों में राह बनाओ, हिम्मत का इजहार करो, कैसा मांझी कहाँ की ले जा, तैर के दरिया पार करो। जंगी खैरी है तो सुन लो, जंग के कुछ आदाब भी हैं, पीठ में खंजर घोंपने वालों सामने आकर वाह। दोषार इस जिंदाब में मुकैद मेरे अफकार ना होंगे, जिंदाब में मुकैद मेरे अफकार ना होंगे, आजाद परिंदे हैं गिरफ्तार ना होंगे, आजाद परिंदे हैं गिरफ्तार ना होंगे। एक मर्द कलंदर ने अजब बात कही थी, शख्स तेरे दोस्त वफादार ना होंगे। जिंदा का मुकैया मेरे अफकार न होंगे, आजाद परिंदे हैं गिरफ्तार न होंगे। एक मर्द कलंदर ने अजब बात कही थी, मेरे और नई भाई के दरमियान यही कदम मुश्तरक है, हम लोग यही बात करते हैं कि इतनी उन्होंने वफा की है और कितने लोगों ने धोखे दिए, हमारा कदम मुश्तरक है। बेटा के दोबारा अच्छा जिंदा में मुकैद मेरे अफकार न होंगे, आजाद परिंदे हैं गिरफ्तार न होंगे। एक मर्द कलंदर ने जब बात कही थी, ऐ शख्स तेरे दोस्त वफादार न होंगे। ये औलिया अदब अल्लामा हजरत आर्जुमान साहब जोर अशार आपके लिए। मेरे बाप भाई आपकी जो रूहानियत जो दर्जा है ना, और जो आपके कलाम से मैसर है आज ही इनकी सारी अपनी जगह, लेकिन मैं सच्चाई की बात कर रहा हूँ। खुद आगही का अजब वो लग गया है मुझे, खुद आगही का अजब वो लग गया है मुझे, कि अपनी जात पे धोखा तेरा हुआ है मुझे, कि अपनी जात पे धोखा तेरा हुआ है मुझे। मैं अपने नाम से ना आशना सही लेकिन, मैं अपने नाम से ना आशना सही लेकिन, तुम्हारे नाम से हर शख्स जानता है मुझे। मैं अपने नाम से ना आशना सही लेकिन, तुम्हारे नाम से हर शख्स जानता है मुझे। लिखा कि दो शारों ने, हम अपनी जात के जिंदा से जब निकलते हैं, हम अपनी जात के जिंदा से जब निकलते हैं, फरोगे आतिशे खुद आगही में जलते हैं, फरोगे आतिशे खुद आगही में जलते हैं। जो तू नहीं है पसे पर्दा हाय शामो सहर, तो मैं और माँ किसे ढूंढने निकलते हैं।